शिक्षक बेसिक शिक्षा विभाग में गैर जनपद से स्थानांतरित होकर आए शिक्षकों को विद्यालय चयन के लिए पूरे दिन परेशान होना पड़ा। डाइट में सुबह 11 बजे के स्थान पर 4:30 बजे विद्यालयों की सूची चस्पा की गई। इसके बाद 5 बजे काउंसलिंग शुरू हो सके शासन की ओर से परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों को अंतरजनपदीय स्थानांतरण का मौका दिया गया। इसके तहत जिले से 401 शिक्षकों का गैर जनपद स्थानांतरण हुआ और गैर जनपद से आए 180 शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पर उपस्थिति दर्ज कराई। इन शिक्षकों को 7 जुलाई तक विद्यालय आवंटित किए जाने थे, लेकिन विभागीय जिम्मेदार इस ओर से लापरवाह बने रहे। प्रशासन की ओर से शुक्रवार को जब विभागीय जिम्मेदारों को शनिवार को हर हाल में काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए गए, इस पर विभागीय कर्मियों ने कार्य करना शुरू किया। शिक्षकों को शनिवार को 11 बजे डाइट में काउंसलिंग का समय दिया गया था। निर्देशानुसार शिक्षक शिक्षिकाएं समय पर वहां पहुंच गए, लेकिन काउंसलिंग हॉल में 4 बजे तक ना तो कोई कर्मचारी पहुंचा, ना ही विद्यालय की कोई सूची चस्पा की गई। इस कारण शिक्षक शिक्षिकाएं पूरे दिन परेशान 4:30 बजे की कर्मचारी सूची चस्पा कर सके, इसके बाद 5 बजे शुरू हो सके। काउंसलिंग में जिला विद्यालय निरीक्षक बीके दुबे व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव मौजूद रहे। 180 लोगों की काउंसलिंग। और बाहर जिले से कितने लोग? जिले से बाहर 401 शिक्षक। ये आज सर एक दिन की काउंसलिंग थी या? हाँ, एक ही दिन। अभी चल ही रही है काउंसलिंग? हाँ, बस कुछ देर में। और कितने पटल पे, कहाँ कितने काउंटर पे चल रही है? काउंटर तो एक ही लगा हुआ है। काउंसलिंग चल रही है, काहे की काउंसलिंग है और कितने लोगों की हुई है? ये जो अन्य जनपदों से स्थानांतरित होकर के हमारे शिक्षक आए हैं, उन्हीं शिक्षकों का जो है पोस्टिंग की जा रही है, विद्यालयों में अलॉटमेंट किया जा रहा है। और काउंसलिंग के बाद जो इनको जो है उनको जो विद्यालय आवंटित किए जाएंगे वहाँ पर इनकी ज्वाइन कराएंगे। लगभग कितने लोगों की काउंसलिंग? लगभग 180 लोगों की है। आज इसमें करीब 5 पुरुष हैं,